नमस्ते प्रणाम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमको, हम देख रहे हैं आपको। चलिए कोई बात नहीं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे। तो वीडियो के पहले हम लोग ये बताना चाहता हूँ मैं कि अगर सिंगिंग में आपको फीडबैक जानना है तो आप प्ले स्टोर से रेट माई सिंगिंग ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पवन सिंह, जो कि भोजपुरी के महानायक कलाकार, सिंगर, सुपरस्टार, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पवन सिंह जी भोजपुरी में ऐसे सिंगर जिन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत ही शोहरत कमाई अपने भोजपुरी जगत में। तो पवन सिंह जी बहुत आदरणीय है मेरे लिए और मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी आवाज़ बहुत आउटस्टैंडिंग है और बहुत ही अच्छी है। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे उनके वोकल टेक्सचर के बारे में, वोकल रेंज के बारे में और वोकल डायनेमिक्स के बारे में और भी बहुत कुछ। तो वोकल टेक्सचर उनका फ्रेंड्स मेरे हिसाब से रियल है, पावरफुल है, हैवी है, बेसी है और क्लियर है। और टेक्सचर उनका बहुत ही ज़बरदस्त है औरों सिंगर से, जैसे खेसारी लाल यादव जी, रितेश पांडे जी और एक्सेट्रा, और इसलिए उनको प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिला। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वोकल रेंज के बारे में। वोकल रेंज उनका लोएस्ट रेंज है, जहां मेरे हिसाब से C2 C#2 और हाईएस्ट रेंज है A#4A, पहली काली सा से लेकर धा तक, मध्यम धा तक। तो उनको बैरीटोन कैटेगरी में हम लोग रखना चाहेंगे, मतलब मैं रखना चाहूँगा मेरे हिसाब से। वोकल डायनेमिक्स की बात करें तो वो एक्सीलेंट है और ज़बरदस्त है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें लॉलीपॉप सॉन्ग से जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया और उसी सॉन्ग से उन्हें ब्रेक मिला है फ्रेंड्स। से कहाँ पे आवाज़ मोटा रखना है और कहाँ पे आवाज़ पतला रखना है, एक्चुअली फ्रेंड्स ये क्लासिकल म्यूजिक में नहीं सिखाया जाता, ये केवल एक्सपीरियंस से आता है। फिर अगला बात करना चाहेंगे उनके वोकल स्टाइल का, तो वोकल स्टाइल फ्रेंड्स मैं इनोसेंट मानता हूँ, ठीक है। और फिर वोकल एक्सप्रेशन की बात करूँ, जी फ्रेंड्स प्लेबैक सिंगर का वोकल एक्सप्रेशन ही उसे डिफाइन करता है कि उसकी क्रिएटिविटी क्या है, उसकी क्रिएटिविटी क्या रहेगी। जैसे मस्ती करने वाले गाने, 2019 में पवन सिंह जी का होली सॉन्ग आया था जो कि पायल देव और पवन सिंह जी ने गाया था, एक्ट्रेस उसमें लॉरेन थी जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है। तो मैं बताना चाहूँगा जैसे ये गाना जो है वो ट्रेंडिंग पे चला, 3 दिन लगातार ट्रेंडिंग पे चला यूट्यूब पे। तो ये मस्ती भरे गाने में जो फॉल्सीटो इनका माइल्ड होता है, ठीक है। और फील इंटेंसिटी की बात करेंगे, भाव की बात करेंगे, जैसे स्टेज शो पे या वगैरह वगैरह जहाँ ये करते हैं तो भाव कैसा रहता है, मेरे हिसाब से जो पवन जी का जो भाव है वो हाई रखना चाहूँगा मैं, मैक्सिमम रखना चाहूँगा, क्योंकि इनकी जो प्री डोमिनेंट हैबिट है जो मुर्की है वो स्पेशल कैटेगरी में आती है। प्री डोमिनेंट हैबिट मतलब मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जैसे एक्स फैक्टर होता है, कुछ किसी में कोई बात होती है, जैसे क्या होता है कि कुछ अलग होता है, यूनिक होता है जो, तो वो उसे प्री डोमिनेंट हैबिट कहते हैं। तो उसमें आ जाते हैं इनकी हरकत, जैसे अभी कोई गाना है जैसे कमरिया हिला रही है, गुलाल उड़ा रही है, तो इसमें हरकत आ जाता है। अब जैसे ये गाना गा रहे थे, देखी देखी अब तो हमके हंसाता जमाना, ये जमाना ये जो है ये कोई सिंगर नहीं करता, एक्चुअली ये जो है ये मतलब पवन सिंह जी में ही पा सकते हैं आप लोग, ये जमाना, ये इसको मुर्की कहते हैं या हरकत कह सकते हैं आप लोग। तो ये जो है इनके में प्री डोमिनेंट हैबिट है, ये हर गाने में आपको देखने को मिलेगा। तो इसे मैं एक्स फैक्टर में रखा हूँ इनके। अब ट्रेनिंग, ये कहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं, जी हाँ सर जी गाइज, ये बताना चाहूँगा कि इनके गुरु जी जो हैं श्री अजीत सिंह जी को गुरु मानते हैं और उन्हें ही भगवान मानते हैं, जो कि इनको सिखाए हैं, म्यूज़िक की तालीम दी है। एक्चुअली इनका जन्म कोलकाता में हुआ था पवन सिंह जी का, तो ये बचपन से स्टेज शो कर रहे हैं अपने गुरु जी के साथ, जो कि इनके चाचा हैं, सगे चाचा हैं, उन्हीं के साथ ये स्टेज शो कर रहे हैं। थैंक यू। फर्स्ट ब्लॉकबस्टर सॉन्ग इस सिंगर का है जो कि पवन सिंह जी का है, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग मैं बात कर रहा हूँ, लॉलीपॉप लागेलू 2007 में आया था। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड फेमस सॉन्ग है,
उसी गाने की वजह से इनको पूरे वर्ल्ड में जाना गया और आज भी जाना जाता है, और वहीं से ये फेमस हुए और प्लेबैक सिंगर बने। इनकी पॉपुलैरिटी इसी गाने से मिली थी। और मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट सॉन्ग जो है वो तीन सॉन्ग है, जैसे सनहिया लगावल इनका बहुत बढ़िया सॉन्ग था, लॉलीपॉप लागेली, और तीसरा सॉन्ग है जो कि भक्ति सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है, वो है तेरे दर पे ओ मेरी मैया, जो कि कवाली पैटर्न में गाए थे ये, बहुत ही बढ़िया गाते हैं। और आपके हिसाब से आपको कौन सा पसंद लगता है सॉन्ग, वो कमेंट करके कोई तीन सॉन्ग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ प्रणाम, नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जानकारी और दूसरे तक पहुँचाइए। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।